गुरुवासरा अथवा बृहस्पतिवासरा है। पौष कृष्ण षष्ठी दिनांक 1 फेब्रुवारी 2024। भाव प्रकाश निघंटु त्रिवृत्त। शंखं चक्रं च लौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषयश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तंत्रकर्तारं अग्निवेशं नमाम्यहम्। शांति शांति। श्वेता त्रिवृत भंडी स्या त्रिवृता त्रिपुटापि च सर्वानुभूति सरला निशोत्रा रेचनी दिश। श्वेता त्रिवृत रेचनी स्या स्वादुरुष्णा समीर रुत रुक्षा पित्त ज्वर श्लेष्म पित्त शोथो दरापहा। श्यामा त्रिवृत त्रिवृत श्यामार्ध चंद्रा च पालिंदी सुश्च सुषेणिका बसुरु विदेला कोलई केशिका कालमेशिका। श्यामा त्रिवृत ततो हीन गुणा तीव्र विरेचनी मूर्छादाह मदभ्रांति कंठो कर्षण कारिणी। तो श्वेत त्रिवृत जो है वो प्रयोग में लाना है और उसके बारे में ज्यादा बहस की गई है। त्रिवृत कषाय मधुरा च तस्या विपाका कटुका वीर्यं च उष्णम कषायत्वात् माधुर्या च त्रिवृत वित्तम शमयति कषायत्वात् कुटपाकित्वात् वृक्षत्वात् च कफम हन्ति कषायत्वात् कुटपाकित्वात् वृक्षात् च वातं वर्धयति। तो पित्त और कफ का शमन और वात का वर्धन करने वाली है। सुख विरेचने मूल विरेचन त्रिवृत मूलम श्रेष्ठम। तो सुख विरेचन और मूल विरेचन इसमें त्रिवृत मूल श्रेष्ठ इस प्रकार का है। त्रिवृत स्ववीरेण सर्व शरीरगतम दोष संघातम विश्छन्दयति विच्छिन्दति विच्छिन्दति च। तो ये वमन विरेचन करने वाले द्रव्य जिस प्रकार से कार्मुक होते हैं जो बताया गया है उसी आधार पर सभी शरीर में जो दोष संघात है उसका विच्छंदन और विच्छेदन ये त्रिवृत्त करते हैं। ततश्च तं कोष्ठम आनयति और दोष संघात को कोष्ठ में लेके आती है बुधमार्गेण चा अधोनयति और फिर विरेचन करवा के उसको बाहर निकाल देती है। रुक्षत्व त्रिवृत वातम प्रकोपयति रुक्ष होने के कारण वो वातम का प्रकोप करते वातम प्रकोप शूलम च उत्पादयति और उसके जरिए शूल निर्माण होता है। तस्मात् त्रिवृत चरणम किंचित नागर सैंधव युक्तम अम्लैः हि वात विकारे पिबे। तो त्रिवृत चूर्ण में थोड़ा नागर और सैंधव जैसे ये गंधर्व हरित की मैं हरित के साथ सैंधव और शुंठी इसका प्रयोग होता है उसी प्रकार से यहाँ भी सैंधव और शुंठी ये दोनों डालने हैं थोड़ी मात्रा में और अम्ल अनुपान से देवे। वैत्ति के कुआरे तेरुन मूल चूर्णम गुरु शर्करा मधु संयुतम क्षीरदाक्षेक्षुरसयुतम पिबे। वैत्त के विकार है तो गुरुत शर्करा मधुयुक्त इस प्रकार का त्रिवृत चूर्ण
क्षीर द्राक्षा इक्षुरस इनके साथ भी कफ विकार मूत्र युक्तम उष्णोदक युक्तम वर्धते, और कफ विकार में मूत्र युक्त या उष्णोदक युक्त इस प्रकार का पान करें, तो इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। त्रिवृत्त सर्वान विरेचन साध्य रोगान जयति यथा ज्वरे पक्वे दोषे तथा शिथिले विषजे ज्वरे मध्योत्थिते वा ज्वरे त्रिवृत्त मूलम विरेचनम दद्यात एवं कृते सति ज्वरो शाम्यति। किंतु ज्वरे विरेचन कब देना है, ज्वर में इसकी एक अवस्था है, वो पक्व दोष होने पर ही देने हैं। अगर उसके पहले सामावस्था में अगर हम विरेचन देते हैं तो ये जीवंतं कृष्ण सर्पं स कराग्रेण परामृशेत, इस प्रकार का वाग्भट ने लिखा है। पायेन मोह दोष हरणम मोहात आमजरे तु यहा, वो जीवंतं कृष्ण सर्पं कराग्रेण परामृशेत, वो जीवित इस प्रकार के सर्प को हाथ लगाता है। तो उसी प्रकार से सामावस्था में कभी भी विरेचन नहीं देना है। पक्व दोष है शिथिल और विषम विषज ज्वर है मध्योत्थित ज्वर है तो त्रिवृत्त मूलम विरेचनम दद्यात एवं करते कृते सति ज्वरो शाम्यति। तो यहाँ पे जयपुर त्रिवृत्त का रेचन दे सकते हैं। ऊर्ध्वगे रक्तपित्ते प्रतिमार्गेण दोषहरणार्थम त्रिवृत्त मूल विरेचनम प्रशस्तम, तो ऊर्ध्वगे रक्तपित्त में खास करके विरेचन ये चिकित्सा है प्रतिमार्ग हरण के जरिए, और फिर उसमें त्रिवृत्त मूल विरेचन प्रशस्त है। तत्तु पित्तम रक्तं च प्रशमयति। मा कषायण त्रिवृत्त क्षामा कषायण कल्केन च सशर्करम लेहम साधय। तो इसी का क्षामा त्रिवृत्त जो है उसका कलकर कषाय लेकर लेह तैयार करे, सशर्करम लेह तैयार करे तथा कर्ष मात्र विरेचनार्थम लिया। तो त्रिवृत्त लेह अवेलेबल है और एक कर्ष उसकी मात्रा बताई गई है। मैं आधा चम्मच एक चम्मच इतना देता हूँ, एक कर्ष की मात्रा 2 चम्मच की होती है, और खास करके उदर रुग्णों को। हाँ अच्छा जनरली होती है, शुरू में तो लंगन पाचन ही करना है। उदर गौरव से ज्यादा पता लग जाता है सामता है या नहीं है इस प्रकार से। तेन पित्तस्य च अधोमार्गेण शोधनं भवति रक्तपित्तं च शाम्यति, तो रक्तपित्त का प्रशमन इस प्रकार का हो जाता है। सामावस्था में एरंड तेल से विरेचन दे सकते हैं क्या? पहली चिकित्सा तो लंगन पाचन यही है, सामावस्था दूर होने पर दे सकते हैं। वैसे आमवात में एरंड स्नेह देते हैं वो भी गंधरसवादी तेल जो रासनादि हो या दूसरा कोई इस प्रकार का हो, निर्गुण्ड्यादि हो, वो दे सकते हैं। लेकिन फिर भी शुरू में लंगन पाचन करना है, उसके साथ में लंगन पाचन करना है, केवल इस प्रकार की विरेचन देना उचित नहीं है, उचित नहीं है। पित्तजे कासे तनु कफे तीव्रता मधुरे ऋतम विरेकाय युञ्जात। तो तनु कफ है और पित्तजे कासे है, तो मधुर युक्त तीव्रता विरेचन के लिए घने कफे तिक्त कहि तीव्रता युञ्जात, घन श्लेष्मणि तिक्त कहि। ये वाग्भट के ज्वर चिकित्सा कास चिकित्सा में ही आया है। विरेकेण पित्त कासा शांतिम याति, तो विरेचन से पित्तज कास जो है उसके शमन हो जाता है। पित्तज छर्द्याम पित्तजायम छर्द्याम विरेकार्थम द्राक्षेक्षु स्वर सहित त्रिवृद्धेया। तो यहाँ भी पित्त को बाहर निकालने के लिए दूसरे मार्ग का प्रयोग किया जाता है। सो विरका ऊर्ध्वंगतन दोषम अधो नयति, तो ये रक्तपित्त जैसी चिकित्सा इस प्रकार की यहाँ पे हो जाती है। अर्षस्व त्रिफला क्वाथे न त्रिवृता मध्यात्म, तो त्रिफला कवच से त्रिवृत्त देना अर्श में, गुदाश्रित दोषान दोषाणाम हरणे न अर्शाम से क्षयम यान्ति। तो वहां पे दोषो संचय जो है उसको दूर करने से अर्श ठीक हो जाता है। तनु यानी कि पतला, तो अगर पतला इस प्रकार का कफ है तो त्रिवृत्त विरेचन के लिए पित्तज कास में देना है। उदरे त्रिवृत्त मूलम तक्रेण प्रशस्तम,
उदर स्थित दोष संघाता बहि प्रवर्तते। सर्वांग के शोथे लघु भुक्त्वा कोष्ठेन जनन त्रिवृत्त मूलम चूर्ण मूल चूर्णम पिबेत। निरामे दोषे त्रिवृत्त मूल साधितम क्षीरम पिबेत। विरेकेण शोथा क्षयम याति। खास करके ये जो शुरुआत की अवस्था होती है उदर की, या फिर अभी किडनी फेलियर में भी ये बात हो सकती है, तो त्रिभुवन मूल तक्र से प्रशस्त है, नहीं तो कोष्ण जल से या कफ प्राधान्य है तो गोमूत्र से इस प्रकार से दे सकते हैं, या उससे क्षीर भी दे सकते हैं। तो नित्यम एनम विरेचे, ये जो उदर का चिकित्सा सूत्र है, उस सूत्र के अनुसार कम से कम हर दिन 4-5 मलबे होने चाहिए, द्रव मलबे होने चाहिए, और उसके बाद में मरीज को अच्छा लगना चाहिए कि दोष संकेत निकल रहा है, तो स्फूर्ति बढ़ती है, शरीर में लघुता आ जाती है, पेट में लघुता आ जाती है, भूख बढ़ती है। ये अगर लक्षण दिख रहे हैं तो ये अच्छा चल रहा है, ऐसा ये समझना है। अगर थकान आना आरंभ हो जाता है या फिर दोष संघात नहीं है अभी बिल्कुल इस प्रकार से, तो इसको रोकना इस प्रकार का है। तो शुरू की अवस्था में लंगन पाचन करके फिर ये त्रिभुवन मूल विरेचन के लिए देना इष्ट इस प्रकार का है। पांडुरोगे कामलायन च पित्तस्य शोधनार्थं तीव्रता प्रशस्ता त्रिभुवन मूल साधितं क्षीरं दोषानुलोमनकरं भवति। तो ये इस प्रकार का क्षीर का प्रयोग तो नहीं किया गया कि त्रिवृत्त सिद्ध क्षीर इस प्रकार का। कामलायाम त्रिवृत्त मूल चूर्णम क्षुद्र सहितम त्रिफला क्वाथेन वा शोधनार्थम पिबे। तो कामला में त्रिवृत्त मूल चूर्ण क्षुद्र के साथ या त्रिफला क्वाथ से साथ शोधन करने के लिए देगी। ये रुद्रपद कामला की अच्छी दवा इस प्रकार की रहेगी। बहुपित्ता कामला में उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का कफनाशक, रुद्रपद कामला में कफनाशक और इनका प्रयोग होना है। और शेषमन रुद्ध मार्गंतम पित्तं कफहरे चाहिए, ये सूत्र है। तो कफ से जिसका मार्ग अवरुद्ध हो गया है उस पित्त को कफहरा औषधियों से जीते, ये बात बताई गई है। त्रिवृन्द मूल साधितम तैलम व्रणगतम क्लेदम पूयन च अपहरति व्रणश शोधनं च करोति। ये किया नहीं गया। त्रिवृन्द मूल साधित तैल व्रणगत क्लेद और पूय को दूर करती है और शोधन करती है। त्रिवृन्द मूलं गोपित्रेण गोमूत्रेण लेपितं शोफं हन्ति। तो ये भी नहीं किया गया कि गोमूत्र के साथ लेप करेंगे तो खास करके कफज शोथ का नाश इस प्रकार का होगा। तो वैसे त्रिवृत्त एक अच्छी दवा है और विरेचन के काम में ही ज्यादातर लाई जाती है, और विरेचन साध्य रोगों में दी जाती है, तो उसको भली भांति ध्यान में रखना उचित इस प्रकार का रहेगा। लघुदंती बृहदंती। लघुदंती विशल्याच स्यादुदुम्बर पर्ण्यपि तथैरंड फला शीघ्रा श्येन घंटा गुणप्रिया वाराहांगी च कथिता निकुंभश्च मुकुलकः द्रवंती सांबरी चित्रा प्रत्यक पर्ण्यर्कपर्णे पे चित्रोपचित्रा न्यग्रोधि प्रत्यक्षेण्या कुकर्ण्यपि दंतिद्वयं सरम पाके रसे च कटुदीपनम। तो रस विपाक कटु है, दीपन है और सर है। गुदांकुरार्ष्म शूलार्षः कंडू कुष्ठ विदाहनु। गुदांकुर अश्म शूल अर्ष कंडू कुष्ठ विदाह इन सभी का नाश करती है। तीक्ष्ण उष्णम हंति पित्तास्र कफशोथोदर कृमि। तीक्ष्ण उष्ण भी है तो कटु रस कटु विपाक तीक्ष्ण उष्ण ये सभी पित्त को बढ़ा देने वाले हैं। फिर भी विरेचन के जरिए अगर पित्त निकल जाता है, पित्तासर कफ शोथ उदर कृमीन इनका नाश करती है। शुद्र दंती फलन तुत्स्यान मधुरम रस पाकयो हो। तो इसका जो फल है वो मधुर रस मधुर विपाक है। शीतल सृष्ट विण मूत्रम गर शोथ कफापहम। गर शोथ और कफों को दूर करने वाला ये दंती फल मिलता है क्या मालूम नहीं, मुझे कभी सुना नहीं दंती के बारे में। दंती का मूल ही प्रयोग में लाया जाता है। द्रव्य गुण में कहाँ पे है मालूम है कुछ? तत्व दो, 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 दो।
गई तुरंत है। श्वास कफ प्रधान व्याधि है, फिर भी तमकेतु विरेचनम क्यों कहा है? फुफ्फुस दुर्बल होते है इसलिए क्या? तमक यह पित्त प्रधान अवस्था है। ये मूर्छा भ्रम प्राय श्लोक आदि नहीं याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके पर्टिकुलर अवस्था है। और खास करके जिन रोगियों में खुली हवा चाहिए, रात 2 से 4 बजे या 12 से 2 3 बजे तक तकलीफ होती है, और ठंडी हवा आती है तो अच्छा लगता है, इनमें पित्त प्राधान्य है, और फिर उसमें त्रिवृत्त विरेचन करती है, अच्छा अच्छा काम करती है इस प्रकार से। वैसे कफ और वात ये दोष प्रधान है इसमें देखा जाए तो, श्वास में, और उनकी दोनों की चिकित्सा अलग अलग है। लेकिन कफ के लिए अपतर्पण करना है, वो भी सोच समझ करके करना है, अति अपतर्पण से रोगी दुस्साध्य या असाध्य हो जाता है। इसलिए संसृष्ट अवस्था है जिसमें दोष जकड़े रहते हैं, इसलिए वमन अपेक्षित नहीं। कफ प्रधान अवस्था में वमन देते हैं पाचन लंघन पाचन करके, फिर इस प्रकार से मूर्छा अभिप्राय तमक की एक विशिष्ट अवस्था है जिसमें पित्त का प्राधान्य होता है और शीताभिप्राय होता है, तो उसमें विरेचन अच्छा काम करता है। लेकिन बाकी अवस्थाओं में कफ प्राधान्य अगर है तो कफ की चिकित्सा करनी है, वात प्राधान्य है तो वात की चिकित्सा करनी है। लेकिन कफ की चिकित्सा करते समय इतना अपतर्पण न हो कि वात बढ़ जाए, ये भी बात ध्यान में बात रखनी है। तो ऐसे ही कफ सब है भरा गति प्राण प्रकोप जहा तस्मात् तन मार्ग शुद्धतम दया लिहान निष्कप है। जो भी इस प्रकार के मशी कल्पना है वो कफ प्रधान अवस्था में होती है, लेकिन कफ नहीं है निष्कफ है, तो ये नहीं देना है, इसका स्पष्ट रूप से निर्देश बताया गया है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अवस्था के अनुसार चिकित्सा करनी है। दंती निकुंभ मुकुलक उदुम्बर परिणीच दंती क्षुपम उत्तर देशे रोहति, दंती द्विधा एका क्षुद्रा द्वितीया बृहति च, बृहद दंत्या समाह क्षुद्र दंती गुणा, औषध क्रियासु दंती मूलम दंती बीजं च यच्च जयपाल मित नामना प्रसिद्धम च उपयुक्त होती। तो जयपाल ये दंती का बीज है ये भी तीव्र विरेचक है, दंती कल्पा दंती मूल चूर्णम पंच गुंजा प्रमाणम दंती मूल का अष्टम शतोलस्य क्वाथा। हाउ टू अप्रोच द क्रॉनिक ड्राई कप स्नेह स्वेदन में है। तो अक्तम लवण तैलाक्त ही इस प्रकार का जो चरका चरण जो शुरुआत की है वो स्नेहन और स्वेदन ये प्रधान है, और उसी से वात का भी शमन हो जाता है, कब भी निकल जाता है तो कोई तकलीफ नहीं रहती इस प्रकार। दंती द्वयम सरम पाके रसे च कटु दीपनम गुदांकुरम गुदांकुराश्म शूलार्षक कंडू कुष्ठ विदाहनु तीक्ष्णोक्ष्णम हंति पित्तासर कफोशोधो पोहोदरकुनि। दंती कटुका तस्या विपाका कटुका वीर्यम उष्णं च तथा दंती तीक्ष्णा आशुकारी विकाशी गुरुवी पित्तश्लेष्माणो विलाययति वातम कोपयति च। तो पित्त और कफ का विलयन करते हैं और वात का प्रकोप करते हैं। दंती कटु रसत्वात् कटु पाकित्वात् तीक्ष्णत्वात् विकाशित्वात् आशुकारित्वात् च वातम प्रकोपयति। तो कटु रस कटु विपाक तीक्ष्ण विकाशित्व आक्षुकारित्व इन सभी से वात का प्रकोप करती है। कटु रसत्वात् कटु पाकित्वात् तीक्ष्ण उष्णत्वात् च दंती पित्तम प्रकोपयति, और पित्त का भी प्रकोप करती है।
दन्ति तीव्रं विरेचयति, विरेचन अच्छा विरेचन पित्तस्य शोधनं भवति, लेकिन पित्त शामक कही गई है, वो विरेचन के द्वारा पित्त शमन का कार्य करती है, इसलिए पित्त शमन बताई गई है, नहीं तो ये वैसे कटु रस कटु विपाक और उष्ण वीर्य इससे पित्त का प्रकोप करने वाली है। दंती कटुत्वा तीक्ष्ण उष्णत्वा च कफम हन्ति, तो ये अच्छी कफ नाशक है, ये महत्वपूर्ण है। दंती तीक्ष्णत्वा उष्णत्वा विकासित्वा च धातुष शैथिल्य उत्पादयति, धातु शोषम धातु पाकन च उत्पादयति, विरेचन धातु गतम द्रवम अपहरत। तो विकासी होने के कारण तीक्ष्ण उष्ण और विकास ये शैथिल्य निर्माण करती है धातुओं में, और धातु शोष और धातु पाक निर्माण करती है, तो इसका समल के प्रयोग करना आवश्यक है। दंती मूल लेप इन अर्श हो सकता है, मैंने तो नहीं किया है, अगर किया है तो ठीक है। तीक्ष्णत्वात् उष्णत्वाच्च दन्ति शरीर शरीरगतं क्लेदं शोषयति तथा च मूत्रकुच्छं मूत्रदाहं अल्पमूत्रं च उत्पादयति, तो शरीर के क्लेद का शोषण करते हैं, मूत्रकुच्छ मूत्रदाह अल्पमूत्र, ये बातें निर्माण कर सकती है। जन्ति रचित्रकस्य तु रसाद्यस्य तुल्यापि प्रभावात् विरेचयति, तो ये जो प्रभाव से क्या क्या कार्य होते हैं, इसमें दंती और चित्रक का उदाहरण दे दिया जाता है। चित्रक भी कटु कटु उष्ण इस प्रकार का है, दंती भी कटु कटु उष्ण इस प्रकार के है, फिर भी दंती विरेचन करती है, चित्र दीपन पाचना, चित्रक जो है वो विरेचन नहीं करता, दीपन पाचन है। तो तीक्ष्णत्वात् उष्णत्वात् सूक्ष्मत्वात् व्यवहितत्वात् विकासित्वात् दन्ति स्वप्रभावेण न साक्षात् हृदयं गत्वा सकल देह गता धमनी धनधनी अनुसृत्य शरीरगत दोष संघातम आग्नेयत्वात् विश्रन दयति तेक्ष्णात् विच्छिन्दति च। तो ये प्रभाव से हृदय में जाकर न साक्षात, ऐसा उन्होंने बताया है, सकल देह गता धमनी ही अनुसृत्य, संपूर्ण शरीर में फैली हुई जो धमनी है उनके पीछे जाके, उनसे जाके शरीरगतं दोष संघातम आग्नेयत्वात् विश्रन्दयति, शरीरगत जो दोष संघात है वो आग्नेय गुण से उसका विश्रन्दन करते हैं, तेक्ष्णात् विच्छिन्दति च, और तीक्ष्ण गुण के कारण उसका छेदन भी करती है। ततश्च तं दोष संघातं कोष्ठम गमनोन्मुखम कोष्ठम आनयति, और फिर उसको कोष्ठ में लाती है। प्रभावाच्यंतं गुदम आर्गेण अधा निस्सारयति च, और प्रभाव के जरिए उसको विरेचन के द्वारा निकाल देती है। विरेकेण दंती विविध व्याधिषु उपयुक्ता भवति, तो विरेक से ये विविध रोगों में उपयुक्त इस प्रकार की होती है। वैसे दंतरिष्ट भी अवेलेबल है। दीपनी दंती कटुत्वात् कटु विपाकित्वात् तीक्ष्णत्वात् उष्णत्वाच्च विरेचकत्वाच्च अग्निम दीपे। हाँ, दंत्यारिष्ट काही वेळेला वापरलंय, सुश्रुत ने जास्त वापरलं, मी नाही वापरलेलं, पण तीक्ष्ण विरेचक बारिश है कफ प्राधान्य है तो दे सकते हैं, तीक्ष्ण विरेचन है। विशेषण कफजाग्निमान्दे दंती उपयुक्ता भवति, तो कफजाग्निमान्दे है तो ये अग्निदीपन कार्य करती है। विविध रोगेषु तस्याः उपयोगः, उदरे गुल्मे च प्रभूत दोष निर्हरणार्थम निर्हरणार्थम श्रोतो मुखानाम विकसनार्थम दंती उपयुक्ता भवति, विशेषेण कफोदरे प्लीहोदरे यकृतोदरे च विरेकार्थम दंती उपयुक्ता भवति, विरेकेण उदरस्थस्य दोष संचयस्य नाशो भवति। तो नित्यमेनं विरेचयेत, ये जो विरेचन की चिकित्सा की बात उदर में की गई है उसके अनुसार मैं तो त्रिवृत्त लेह का प्रयोग ज्यादा करता रहता हूँ, और अगर प्रायः जो मरीज दिखते हैं वो यकृत दाल उदर के दिखते हैं, वैसे लिवर सिरासिस और उसमें उदर ये काफी कॉमन इस प्रकार का है, और उसमें पित्त का और रक्त का भी संबंध रहता है। अभी का जो लिवर सिरासिस दिखाई दिखाई देता है वो अल्कोहल के वजह से है। हमारे ग्रंथों में मद्यपान वगैरह जो कई बातें बताई गई है वो पुराना मद्यपान अब नहीं रहा, अभी डायरेक्टली रम और विस्की लेने वाले लोग होते रहते हैं, और इसमें साक्षात अल्कोहल है,
तो इसके जरिए रक्तपित्त की संप्राप्ति दिखाई देती है, इसोफेजियल वराइसेस होते हैं, फिर रक्त चर्दी होती है और यकृत वृद्धि रहती है, उधर जातोदकावस्था इस प्रकार की रहती है। तो एक तो उनको केवल दूध पर शिफ्ट करना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। जब भूख लगे प्यास लगे दूध ही लेना है, और उसके साथ में विरेचन देते रहना चाहिए। तो त्रिवृत्त लेह और फलत्रिकादि क्वाथ, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। वो ताजा काढ़ा बना के देना है, शायद एक ही बार दे या फिर निकाढ़ा भी उसका दे दे। तो सुख से 4-5 वेग मलवेग आ जाते हैं, द्रवो मलवेग आ जाते हैं, और फिर लिवर सिरोसिस कम होने लगता है। कैंसर के बहुत सारे प्रकारों में लिवर मेटास्टेसिस अगर है, या फिर उदर में आसाइटिस, जल संचिति इस प्रकार की है, तो उसमें ये विरेचन चिकित्सा उतनी अच्छी काम नहीं करती। शुरू में केवल दोष संघात को निकालने के लिए ठीक है, बाकी कैंसर की चिकित्सा करनी है। कोलन कैंसर हो, लिवर कैंसर हो, या पैनक्रियाटिक कैंसर हो, जो भी है, या ओवेरियन कैंसर हो जिसमें ये आसाइटिस दिखाई देता है, तो फिर उनमें उधर की चिकित्सा मेन नहीं है, कैंसर की चिकित्सा मेन है। लेकिन पानी भरने से अग्निमांद्य और कुछ जा नहीं रहा, चर्दी हो रही है वगैरह इस प्रकार की स्थिति है, तो वटपत्र पट्टबंधन वगैरह ऐसा सब करके विरेचन देते रहना है, और विरेचन से दोष संघात दूर हो जाएगा, लेकिन मूल कैंसर की संप्राप्ति के भंग के लिए अलग दवाइयां देनी पड़ेगी। तो इनमें उपद्रव के रूप में उदर इस प्रकार का होता है, और इस उदर की खासियत होती है कि उसमें पाँव में सूजन नहीं आती। जो क्लासिकल उदर है उसमें पाँव में सूजन रहती है और उसी से शुरुआत होती है, फिर अग्निमांद्य होता है और फिर सांस फूलने लगती है, पेट बड़ा हो जाता है। ये क्लासिकल उदर है जो ग्रंथों में वर्णित है। लेकिन जब कैंसर के जरिए इस प्रकार का होता है, सीधा पानी भर जाता है और पाँव में सूजन बिल्कुल नहीं रहती, तो अगर पाँव में सूजन नहीं है और पेट में पानी है तो जरूर कैंसर होगा, ये बात समझकर फिर इन्वेस्टिगेशंस उसके आधार पर करने हैं। फलत्रिका एंड थिरेवृत्त लेह, हाउ मेनी ग्राम? 20 ग्राम टू 10 ग्राम्स, एक या दो चम्मच। एक चम्मच करीबन 5 ग्राम का होता है, मैं 2 चम्मच से ज्यादा नहीं जाता आगे। और फलत्रिका आदि काढ़ा निकाढ़ा जो है वो 3-3 ग्राम हर द्रव्य। वासा कुरुचि त्रिफला कटवी भुनिम्ब निम्बजा, यही फलत्रिका दी है। वसारंध्र में फलत्रिका दी नाम से है और वाग्भट में वासा कुरुचि आदि कषाय कर से है। तो 3-3 ग्राम हर को लेना है, हर चीज को, और फिर 4 कप पानी डाल के उबाल के 1 कप या आधा कप रखे, और फिर ठंडा होने के बाद छान ले, ठंडा होने के बाद शहद मिला के दे दे। ये जो पातक शौद्र युतो हंति पांडु पित्तास्त्र कामला, जिस प्रकार की फलश्रुति है, तो यकृत दाल उदर या लिवर के कैंसर वगैरह वगैरह मेटास्टासिस लिवर में, इनमें ये अच्छा काम करता है। तो फलत्रिकादिया और मल प्रवर्तन अच्छा नहीं हो रहा, मल संचय हो रहा है, तो ये अच्छा काम करता है। विशेषेण कफोदरे प्लीहोदरे यकृतोदरे च वेरेकार्थम दंती उपयुक्ता भवति। वेरेकेण उदरस्थस्य दोषसंचयस्य नाशो भवति पाण्डुरोगे। अस्मिन् व्याधौ प्राधान्येन पित्तचिकित्सा कार्या, पित्तस्य वेरेकेण शोधनार्थम आतुरबलं दोषबलं च अवेक्ष्य दंती उपयुञ्जात। तो पाण्डुरोग पित्त प्रधानः कुपितः इत्युक्ते कोपनिर्मलः, इस प्रकार की शुरुआत है संप्राप्ति की। तो पित्त प्रधान दोष है तो पित्त चिकित्सा करनी है, लेकिन पित्त का विरेचन करने से दंती इसमें उपयुक्त हो सकती है। तो आतुरबलम दोषबलम च अवेक्ष्य शोधन के लिए दंती का प्रयोग करें। दंती क्वाथा द्राक्षायुतः संयुतः पांडुरोगे वेरेकार्थम प्रशितः। तो दंती क्वाथ द्राक्षा सहित पांडुरोग में विरेचन के लिए ही तो इस प्रकार का है। कामलायाम पित्त से शोधनार्थम दंती मूल चूर्णम शिशिर जलेन पिबेत। कामला में पित्त शोधन के लिए दंती मूल चूर्ण शीत जल से पान करें।
शोफे शोफ पीड़िता नरा निरामहा वृद्ध पुरुषश्च सप्ताहम दधि मूल साधनम क्षीरम पिले। तो इसमें निरामावस्था होनी चाहिए और वृद्ध पुरुष है तो सप्ताह दंती मूल साधित क्षीर पीना है। पित्तजे शोथे दंती मूल से क्वाथा सगृता प्रशस्ता। पित्तजे शोथ में दंती मूल क्वाथ सगृत। तो किडनी फेलियर की शुरू की अवस्था में जब उदर में गौरव काफी है, मूत्र का प्रमाण कम है और दोष संचय ज्यादा है, तो लंघन पाचन करते हुए विरेचन इस प्रकार का देना है। दंती का तो मैंने नहीं प्रयोग किया, लेकिन त्रिवृत्त लेह इस अवस्था में दे सकते हैं। गुगुलु पलत्रिकादि गुगुल तो की मात्रा बहुत ही कम है। अरे थोड़ा अजीब है कि दातार गुरु ने गुगुल का प्रयोग वहां पे शुरू किया, पलत्रिकादि गुगुल का शायद एक योगवाहित व गुगुल की तरीके से आता है, क्योंकि गुगुल की जो मात्रा है वो तो काफी बड़ी होती है और यहाँ की पलत्रिकादि गुगुल या अश्वदादि गुगुल की मात्रा बहुत ही कम इस प्रकार की है। तो इतनी मात्रा से काम नहीं होता है, विरेचन का कार्य जो अपेक्षित है वो इसमें नहीं होता है। यकृत में अगर पार्थिव नाद है तो फलत्रकादि गुगुल दीर्घ काल तक लेना है। उसमें जो कॉन्स्टिपेशन होता है उस कॉन्स्टिपेशन के लिए फलत्रकादि गुगुल अच्छे तरीके से काम करता है, मूल रूप से कॉन्स्टिपेशन दूर करता है, लेकिन एक काफी महीनों तक लेना पड़ता है इस प्रकार से। और उदर में जो विरेचन देना है तो हर दिन देना है और विरेचन होना ही है इस प्रकार से। तो इन दोनों में फलत्रिकादि काढ़ा से उस प्रकार का होता है। दंती मूल चूर्ण अर्षस्य तक्रेण हितम अनुलोमनार्थम। तो तक्र के साथ दंती मूल चूर्ण अर्ष में देवे। गुदाश्रय दोषे हते सति गुदजा संक्षयी व्यांति। तो वहां का जो दोष संघात है वो निकल जाने पर अर्ष जो है वो शांत हो जाते हैं। शूले निरामहा बद्ध पुरुष शूल पीड़िता नरा दंती चूर्णम सूर्या दधि मंडे नवा पिबे। निरामा और बद्ध पुरुष इस प्रकार का शूल पीड़िता का नर है तो दंती चूर्ण सूरा या दधि मंड के साथ पिए। ये तो प्रिया नहीं किया गया, लेकिन निरामा और बद्ध पुरुष ये अवस्थाएं हो सकती है इस प्रकार से। और कितनी हद तक ये काम करेगा ये थोड़ा देखना पड़ेगा। मैंने एक उदाहरण बताया था दत्तात्रेय शास्त्री दरोकर के केस के बारे में। कोई मुस्लिम पेशेंट था, रोजा 40 दिन किया और केवल पानी पिया, बिल्कुल अन्न सेवन नहीं किया, और फिर रोजा छोड़ते वक्त दही और चावल ऐसा सेवन किया तो तीव्र मलावष्टम हो गया और तीव्र शूल होने लगा और वात का संचय बहुत हो गया था। सर्जन की राय ले ली, उन्होंने कहा कि ये सब मल कठिन बन गया है और बगैर ऑपरेशन के निकाल नहीं सकते, लेकिन इनकी कंडीशन ऐसी नहीं कि ऑपरेशन वो सहन कर पाएंगे, तो एलोपैथी में कुछ करने लायक नहीं रहा। तो दत्तात्रेय शास्त्री देवकर के पास आए थे और फिर उन्होंने नाभि प्रक्षेप आर्द्रक स्वरस का किया। तो इससे आर्द्रिका भेदिनी गुरुवी ये जो बताई गई है तो ये मल भेदन हो गया कुछ हद तक और वायु छूट गया, तो इतना दुर्गंध फैल गया इस रूम में कि कोई अंदर वहां पे रह नहीं सका, लेकिन शूल शांत हो गया और फिर उसकी मौत हो गई। लेकिन उसने दत्तात्रेय शास्त्री देवकर को बोला, मैं शांति से मर रहा हूँ, ये तो मेरे लिए काफी अच्छा इस प्रकार का है, क्योंकि शूल बहुत ही था इस प्रकार से। तो इसमें शायद इस प्रकार का मलभेदन करने वाला कुछ कुटकी जैसी दवा है ये हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अर्धक प्रक्षेप जो नाभि में किया, अर्धक सरस का नाभि प्रक्षेप किया, तो एक अनूठा उपाय था। मैं भी करता हूँ कभी कभी इस प्रकार से। तो दंती चूर्णम सूर्य दधिमंडेन वापिबेत् तस्य यस्य
अम्मा भी तदादि बोलने कमेव शूलम केवलं न भुक्त मात्रे जीर्णे जरिते स्वास पुरुषा तीक्ष्णे दंत्या देवी मूल विरचने विरेच्छा। तदादिकमेव शूलम तो भुक्त मात्र नहीं जीर्णे जीरेती वा जिसका शूल होता है वो तीक्ष्ण दंती वगैरह से विरेचन करना है। सदा अधिकमेव शूलम, ऐसा थोड़ा सा होगा, सदैव अधिक शूल रहता है न भुक्त मात्रे, केवल भोजन के बाद जीर्णे जीरेति वा। हाँ, तो भोजन के बाद जीर्णे जीरेति वा शूल नहीं है, किंतु सदा ही अधिक शूल रहता है, तो उसमें ये तीक्ष्ण ही दंत्या भी मूल विरेचन ही विरेचा। डॉक्टर कविता, डॉक्टर श्रद्धा, अपने अपने माइक को म्यूट करो। कुष्ठे बहुदोषा कुष्ठी संशोध्या, जिसमें दोष ज्यादा है उसमें संशोधन देना है, उस कुष्ठ में। विरेचनने दन्ति दोष संशोधनं करति, दोष संशोधनेन शास्त्र शाखाश्रिताः कुष्ठादयः रोगाः प्रशमयन्ति। तो दोष संशोधन से शाखाश्रित इस प्रकार के कुष्ठादि जो दोष है, रोग है, वो उनका शमन होता है। क्रूर कोष्ठे नरे दन्ति मूल सिद्धं घृतं वरम, मालूम नहीं दंती मूल सिद्ध घृत मिलता है क्या, तो क्रूर कोष्ठ में वो प्रशस्त है। वो ऐसे मिश्र का स्नेह का प्रयोग करते रहते हैं, मैं भी करता रहता हूँ, और उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तत् स्नेह थी तथा विरेचयति च, अति क्रूर कोष्ठ इस प्रकार का है, मल कठिन बहुत ज्यादा है, और फिर मिश्र का स्नेह, ये सुकुमार का घृत काम नहीं कर रहा है, तो मिश्र का स्नेह अच्छा काम करता है, कम मात्रा में 5-10 बूंद या आधा चम्मच, ज्यादा से ज्यादा 1 चम्मच, इतना ये मिश्र का स्नेह दे सकते हैं। और थोड़ा उसमें ग्राइपिंग पेन होता है, लेकिन मल परिवर्तन होने लगता है इस प्रकार से। क्रूर कोष्ठे नरे दंती मूल सिद्धम घृतम वरम तत्स्नेहति तथा विरेचयति च, कफच कुष्ठे तथा वात रक्ते कृमि रोगे च कंडुर्भवति। कृमि ऐसे कंडू, ये लक्षण लक्षण कोष में करीबन 10 पृष्ठों में है, और ये तीनों दोषों से संबद्ध हो सकता है, वात से भी, पित्त से भी, कफ से भी। रोक्ष ज्यादा है तो वात साथ संबंध इस प्रकार का रहता है, कफ प्रधान अवस्था में भी कंडू ये लक्षण होता है, और शीत पित्त वगैरह जो रोग है उसमें पित्त के साथ जुड़ा कंडू ये लक्षण दिखाई देता है, और उसका एक कारण कृमि भी रहता है। शरीरगत क्लेद वृद्धिया कंडूर भवति, दंती मूलम विरेचनेन शरीर से दोष संघातं क्लेदं च अपहरति, तेन कण्वाः, कण्वोः नहीं होता है, कण्वाः होता है, प्रशमो भवति। तो दोष संघात और क्लेद को दूर करता है, और फिर उससे कंडू का प्रशमन होता है। विदग्ध पित्त से संचयन कोष्ठे विदाहो भवति, दंती विरेचन विदग्धम पित्तम हरति, विदग्ध पित्त क्षयात विदाह से प्रशमः। तो पित्त प्रधान अवस्था है, विरेचन चिकित्सा अपेक्षित है, तो दंती विरेचन से विदग्ध पित्त को दूर करती है, और फिर विदाह प्रशमन हो जाता है। कृमि रोगे कटुष्ण तीक्ष्णत्वात् विरेचन विरेकत्वाच्च दंती कृमिन्हन्ति गुदेन बहिर्निस्सारयति च, कृमि का नाश करती है और बाहर भी निकाल देती है। व्रणजान कुष्ठजान कृमिश्च दंती हन्ति, व्रणज और कुष्ठज कृमि को भी ये नाश करते हैं, तो शायद वहां त्रिदंती तैल का प्रयोग करें। और वैसे अर्गवत कपिला एक अच्छी दवा है कृमि के लिए, तो सुबह कृमि कुठार और रात को अर्गवत कपिला, ये मैं प्रयोग करता रहता हूँ, उसके साथ में तिक्ता जाजी भी प्रयोग में लाता हूँ। तो कृमि को नाश करना या उसको बाहर निकाल देना, इन दोनों में ये कॉम्बिनेशन अच्छा इस प्रकार का काम करता है।
तीक्ष्णोष्णत्वात् दन्ति पित्पक्वशोपस्य विदारणं करोति लेपेन, तो पक्वशोप में लेप से उसका विदारण दन्ति करती है। कफवश कंडू में जी तो वैसे दंती कफ का नाश करने वाली है, और फिर कफज कंडू में वो दोष संघात को अगर बाहर निकालती है तो इसका फायदा जरूर होता है। तो दंती वैसे भी अच्छे तरीके से प्रयोग करते हैं, लेकिन त्रिवृत विरेचना नाम, त्रिवृत जो है वो विरेचन में श्रेष्ठ है, दंती जो है वो कम मात्रा में प्रयोग में लाई जाती है। जयपालो दंती बीजम विख्यातन तिंतिली फलम, जयपालो गुरु स्निग्धो रेचि पित्त कफापहा। जयपाल की काफी कल्प अवेलेबल है और विरेचन के लिए ही किया जाता है प्रयोग। पित्त कफापह इस प्रकार का है, जयपाल भी इसमें होगा शायद द्रव्य गुण की किताब में। यहाँ पे नहीं दिखाई रहा दे रहा अच्छा तो जयपाल का लेप इंद्र लुप्त में किया जाता है, पानी में घिस कर इंद्र लुप्त में लगाते हैं तो कृमि का नाश करता है और इंद्र लुप्त का क्षय उससे हो जाता है। इन्होंने कैसे दिया नहीं मालूम, नहीं जयपाल पे काफी कल्प है ऋषि शास्त्र में खास करके, अभी मुझे पक्का याद नहीं है। महामृत्युंजय रस और इच्छा भेदी, इन दोनों में शायद जयपाल है, मुझे पक्का याद नहीं है। विष द्रव्य, लेकिन नंबर ढूंढ के देखो, अगर मिलता है तो देखेंगे जरूर। समडू इच्छा भेदी रस इन इंद्र रूपत, वात विध्वंस में भी है। ओके 351 महावात विध्वंस में है। ओके पेज नंबर 351 और उसका नंबर हरिद्रा वायु अभयादि मोदक अभयादि मोदक से के साथ अनुपान
को देख सकते हैं क्या? अभयादि मोदक मैं प्रयोग में लाता हूँ विरेचन के लिए ही नहीं, लेकिन नित्यानुलोमन होना इस प्रकार की जब स्थिति होती है तो उसको प्रयोग में लाता हूँ। नहीं, ये तो मुझे नहीं लग रहा है। सर पीडीएफ पेज नंबर 6। हाँ, लेकिन विषय द्रव्यों के बारे में ये तो निश्चय किया है। लास्ट पार्ट ऑफ बुक। विश्वभूषण हाँ, जयपाल आ गया। नित्यानुलोमन के लिए सुकुमार घृत यह एक अच्छी दवा है, वो तो मैं करता रहता हूँ। लेकिन इसमें से इससे अगर बात नहीं बनती है, इन सभी मरीजों में लंघन पाचन ही अपेक्षित रहता है। वो पहले करके फिर दोष निराम हो गए है या मल संचय है तो ये विरेचन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट पैलेटेबल, सो पेशेंट इज नॉट हैप्पी। ऐसे तो शिकायत नहीं है क्योंकि मैं काफी मरीजों में प्रयोग करता रहता हूँ। 1 चम्मच मात्रा अगर देते हैं आपातकाल में तो ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। जयपाला दंती पिजन तिंतिली फलंछ जमाल गोटा बीजम जयपाल इति ख्यातम तद बीजम जयपाल बीजम तैलम औषध क्रियासु उपयुक्तम भवति। जयपाल बीजम एरंड बीज सदृशं किंतु कृष्ण विद्वांकितं च। जयपालस्य उपविश्य अन्तर्भाव तस्मात् तस्य संशोधनम् आवश्यकम्। जयपालस्य शुद्धि जयपालं निःशुष कृत्वा दुग्धे दोलायितं पचेत् अन्तर्जिह्वां परित्यज्य औषधकर्मणि तत्प्रयुञ्जात्। तो उसमें कुछ निकलता है अंतर्जिह्वा, वो उसको निकाल देना है। वृद्ध पकार बद्ध कोष्ठता में क्या दे? सुकुमार को गुरुदेव दे सकते हैं, नहीं तो स्नेहपान करवाना है, इससे बात नहीं बनती है तो। जयपालम दिष्टुषम अंतर्जिह्वा रहितम कृत्वा माहिषे मले त्रिदिनं क्षिपेत् पश्चात तद उष्णदुःखेन निर्मलं कुर्यात् ततः तद बीजं खल्वे वाससा मर्दयेत् तथा उद्धृत्य च नूतन कर्पणे लेपयेत् तेन तत् विगत स्नेहं रजसन्धिं च भवति। अनंतरम तम निंबूरसेन बहुवारं भावयेत् तेन जयपालं शुद्धं गुणाढ्यं च भवति। अरे बाप रे, ये तो काफी अलग बात बताई गई है। तो माहिषमल में 3 दिन रखे, ये भी एक अलग बात है, और उष्णोदक से शुद्ध करके वाससा से मर्दन करे। वाससा यानी के कपड़े में लेकर करना है, फिर नूतन कर्पण में लेप करे, और फिर विगत स्नेह रजस संधिभा होता है तो नींबू रस से बहुवार भावित। किसी ने किया है मालूम नहीं। इस प्रकार से अंतर्जिह्वा रहितं कृत्वा वस्त्रे बद्ध्वा गोमय रसे दोलायतम याम मात्रम पचेत तेन जयपाला शुद्ध होती। ये थोड़ा आसान है, लेकिन गोमय का रस लेना है।
तुम शहर आंतर जीवा रही था तो करना ही है। जयपाल स्थगुरुस्तिक्तो वांतिकृत ज्वरकुष्ठनुत उष्णसरोवरष व्रणश्लेष्म कंडु कृमि विषापः। तो गुरु तिक्त वांतिकृत ज्वरकुष्ठनुत उष्णसरोवरणश्लेष्म कंडु कृमि विषापः। जयपालम उपविशम तत्तो आशुकारित्वात् मोहयति जिह्वां कंठं च दहति मूर्छयति धातुक्षयं करोति। तो ये मोह मूर्छा धातुक्षय करता है। तो एक कृत्कंठम आशु अपकर्षति तत्तो ऊर्ध्वाधो मार्गेण दोषं हरति तीव्र विरेचने जयपालम विशेषेण तस्य तैलम श्रेष्ठतमम्। तत्तु नरम तीव्रं विरेचयति अंतःकोष्ठे दाहं शूलं च उत्पादयति तस्मात् जयपालं क्रूरकोष्ठेषु बहुदोषेषु स्वस्थं मृदुकोष्ठेषु सुकुमारे शिशौ वृद्धे च तद् अशुभम्। दो सौ समझ कर ही देना है। स्वेदन फॉर वन प्रहर इन मिल्क देन वॉश विथ हॉट वाटर देन गिव भावना ऑफ नींबू स्वरस। ओके ये तुमने करके देखा है तो फिर अच्छी बात है। विरेचने जयपालम कुष्ठम कंडुम विषम ज्वरं च हन्ति संधिपातोद्वरे नातिक्षीण बलानले अधिकदोषानुरोधेन प्रत्याख्याय जयपाल तैलं पाने दद्यात्। प्रत्याख्याय चिकित्सा करनी है। टोल्ड इन देशपांडे बुक। ओके मंगेश ठमके है क्या, उसने कुछ करके देखा है क्या? तो क्षीण अगर बल और अनल नहीं है, ज्यादा क्षीण नहीं है तो दोषानुरोध है ना प्रत्याख्या है कि ये देखते हैं इस प्रकार जयपाल तिल देना है। जयपाल तैलम बिंदु मात्रम सक्षौद्रम स नवनीत शर्करम वाद अद्यात। एक बिंदु इतनी मात्रा में क्षौद्र और नवनीत शर्कर के साथ देना है। तेना से स्थिर लीना विमार्गः दोष संगता भिन्ना आशु बहि प्रवर्तते। तो स्थिर लीन विमार इस प्रकार का जो दोष संघात उसका भेदन होके वह तात्काल बाहर निकलता है। तेन उदर से शांतिर्भवती। जयपालम जयपाल तैलम व अतिमात्रम सेवितम मृदुकोष्ठिनम व सुकुमारं क्षीणम बालम वृद्धवा क्षिभ्रम मारयति। तो सुकुमार वगैरह बालों में इसमें प्रयोग नहीं करना है, उससे मृत्यु भी हो सकती है, ये बात ध्यान में रखनी है। तत् मुखे कंठे उदरे च तीव्रनांग शोभम शूलं च जमनयति जनयति वामयति विरेचयति रक्ताति सारं जनयति भ्रमयति मूर्छयति धातुक्षयं बलक्षयं च उत्पादयति मारयति च। तो मुख कंठ उदर, इसीलिए जो अनुपान उसका बताया था ऊपर जो नवनीत वगैरह सक्ष उदर नवनीत शर्करम वा दद्यात् इस प्रकार से वो उस अनुपान के साथ ही प्रयोग करें। अंजना टोल्ड इन सन्निप सर्प विष बीज नींबू रस में उगाड़ू। ओके ये तीक्ष्ण इस प्रकार का रहेगा। और फिर मूर्छा दूर करने के लिए अंजन इस प्रकार का होगा। तत्र खदिर कवथ से रस क्रिया प्रशस्ता। तो कात जो है खदेर कारक क्वाथ की रस क्रिया वो दे सकते हैं तथा कुकुंडा कुकुटांड रसम च तंदरम पाइए। और कुकुटांड रस उसको देना है। नवनीतं क्षीरं घृतं च पाइए। शूलदाह शमनार्थम आपुकम वा दद्यात् अन्य च तत् यत्काले तत् तत्काले प्रशस्तम शुभं च तत् सर्वं कुर्यात्। तो इससे स्पष्ट होता है कि इन्होंने खुद किया है ये, नहीं तो ये इतना बताना मुश्किल है इस प्रकार से। तो नवनीत क्षीर घृत ये एक आसान है थोड़ा सा। और शूल शमन के लिए आफू देना है अथवा उस काल में जो प्रशस्त है वो देना है इस प्रकार से। वेणुमाधव शास्त्री जोशी नगर महाविद्यालय में जब प्रेक्टर थे तो विमल गुप्ते और तम्मा गुप्ते इन दोनों ने दंत्य पक्का याद नहीं है मुझे अरिष्ट बना के पिया था।
दंते रिश्ते ही शायद दंतिका। और फिर काफी गंभीर मामला हो गया, उनको अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। मणिमाधव शास्त्री जोशी उस समय में चिकित्सक थे, तो उन्होंने घृतपान करवाया था उस समय में और वो बच गए। दोनों की कंडीशन बहुत बेकार थी। तो दंतिका किया था या वत्सलाप का? वत्सलाप का किया था अरिष्ट, उन्होंने जो बताया कि आप वो अवथन आपका अरिष्ट करके पिया था इस प्रकार से। तो कुकुटांड रस मुझे मांस रस का है, नहीं मुझे नहीं लगता है कुकुटांड रस का मतलब वो फोड़ने पर जो भी मिलता है वो कुकुटांड रस होगा, जो भुर्जिया ऑमलेट बनाने के काम में आता है वो वैसा ही पीना है ऐसा शायद होगा इस प्रकार से। तो ठीक है, वो चला आपका आंसू किया था, मुझे अभी जो याद आ रहा है वो इस प्रकार और वो पिया था। दवा दिनी द्वय इंद्रवारुणी, इंद्रवारुणी कच्चे अंडे या। तो ये देखते हैं इसमें कल आगे बढ़ेंगे। तो आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह ही शल्य तंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन् निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनं। एक जल एक्सट्रैक्ट में इंटरनल कोटिंग करता, इसलिए एब्सॉर्प्शन कम करता, पॉइजनिंग इमोर्डन करता। शीत जल के साथ जायफल कल्प दे क्या? जयपाल कल्प दे क्या? बहुत सोच समझ करके ही देना है जब देना है तो, नहीं तो इन्होंने जो चेतावनी दी है उसका अनुसरण करना पड़ेगा। शांति शांति शांति।